सभी मित्रों को गुड इवनिंग। कल हमने जो टॉपिक देखा था वो देखा था पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पांच भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? पांच भागों में बांटा जाता है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता, जिसमें अपन ने पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था और ताम्र युगीन सभ्यता के बारे में अपन आगे जो थे अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। और ताम्र पाषाण और पाषाण काल के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको कल बताई है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप जो इस वीडियो में है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है ना। ताम्र युगीन के बाद आ जाएगी कांस्य युगीन, कांस्य युगीन के बाद आ जाएगी लोह युगीन। राजस्थान में ताम्र युगीन की सबसे बड़ी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, कांस्य युगीन की सबसे बड़ी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता और लोह युगीन की सबसे बड़ी सभ्यता है विराट बेराट, जिसको कहते हैं बेराट सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम था विराट नगर, ठीक है ना मेरे मित्रों। देखो ताम्र युगीन, ताम्र का मतलब होता है तांबा, क्या होता है मित्रों? ताम्र का मतलब होता है तांबा और युग का मतलब होता है काल या समय, यानी कि वह समय जिस समय मनुष्य द्वारा पत्थर का इस्तेमाल छोड़ दिया गया और केवल अपने जीवन में किसको अपना लिया? तांबे को अपना लिया। तो राजस्थान में ताम्र युगीन की सबसे बड़ी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मित्रों? गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता का स्थान पूछ लिया जाए तो कहां पर होगी? नीम का थाना सीकर में। हालांकि वर्तमान में नीम का थाना को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है लेकिन अपने को फिलहाल अभी इसको सीकर में ही याद रखना है, ठीक है ना। तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर पड़ती है? नीम का थाना सीकर में पड़ती है। स्थान हो गया, नदी हो जाएगी मेरे मित्रों कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था और खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता थे आरसी अग्रवाल और विजय कुमार मिश्र। इन दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन किया, खोज की है, ठीक है ना। तो नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता पड़ती है, नदी हो जाएगी कांतली नदी और खोजकर्ता हो जाएंगे आरसी अग्रवाल और विजय कुमार मिश्र। उसके बाद आगे अपन बात करें कि इस सभ्यता का उपनाम क्या क्या था। इस सभ्यता को मेरे मित्रों ताम्र जननी के नाम से जाना जाता है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, तांबे को जन्म देने वाली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। इसी सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? पुरातत्व का पुष्कर। इन तीनों नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। ताम्र जननी गणेश्वर को कहा जाता है, जबकि ये बात ध्यान रखना कि ताम्रवती और ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और इसी गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो मेरे मित्रों ये सभ्यताओं का जो मेन मेन जो बातें हैं, स्थान, नदी, खोजकर्ता, उपनाम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां से अपने को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई वो अपन देखते हैं, क्योंकि ताम्र युगीन है तो फिक्स है कि सर्वाधिक जो वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई होगी? तांबे से बनी हुई होगी, ठीक है ना। तो देखो यहां के लोग मुख्य रूप से शिकार और आंशिक रूप में कृषि करते थे। क्या करते थे मेरे मित्रों? आंशिक रूप में कृषि करते थे, यानी कि इनको जो मुख्य रूप
था सर्वाधिक क्या करते थे शिकार, और कृषि ये किया करते थे बहुत कम किया करते थे। इसलिए मैंने लिखा है कि मुख्य रूप से यहाँ के लोग शिकार करते थे और आंशिक रूप में क्या करते थे कृषि करते थे। आगे बात करें तो यहां से प्राप्त उपकरणों में मित्रों 99% तांबा ही था। क्या था? तांबा। यानी कि यहां से जितनी भी चीजें प्राप्त हुई है उसमें 99% क्या किस धातु की बनी हुई है? तांबे की धातु की बनी हुई है वो चीजें प्राप्त हुई है। यानी कि चारों तरफ तांबा तांबा तांबा। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो मेरे मित्रों यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ देखो, यहां से तांबे के तीर, बरछे के नोक, कुल्हाड़ी, बिना हत्ते के जग, यानी कि जग प्राप्त हुए जिसके ऊपर कोई हत्ता नहीं था, जो पकड़ने वाला हत्ता होता है ना हाथ से अपन जग को पकड़ते हैं वो नहीं था। उसके बाद मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, उस तरह के फलक, केश पिन आदि प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुए मेरे मित्रों? यहां से तांबे के तीर प्राप्त हुए, बर्छे के नोक प्राप्त हुए, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, बिना हत्ते के जग प्राप्त हुए, मछली पकड़ने के कांटे यहां से प्राप्त हुए थे, उस तरह के फलक यहां से प्राप्त हुए थे, केश पिन आदि यहां से चीजें, यानी कि जितनी भी चीजें हैं मित्रों वो सारी तांबे की बनी हुई यहां पर क्या है मिली है। और आगे बात करें मित्रों तो गणेश्वर सभ्यता से हमें एक मिट्टी का बांध प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक मिट्टी का बांध अपने को गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यहां के मृदबांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यहां के मृदबांड काले व नीले रंग से रंगे गए थे। इससे रंगे गए मित्रों, यहां के मृदबांड जो है काले व नीले रंग से रंगे गए थे, जिन्हें कृपश वर्णी मृदपात्र कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने मृदबांड के बारे में बताया था कि जो काले व लाल रंग से रंगे गए मृदबांड हो वह गैरिक मृदबांड कहलाते हैं, ठीक है ना, जो आहार सभ्यता से प्राप्त हुए। और जो मृदबांड काले व नीले रंग से रंगे गए हो वो कृपश वर्णीय मृदपात्र कहलाते हैं मेरे मित्रों। आगे बात करें तो यहां के लोग तांबे को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात करते थे। किसमें निर्यात करते थे मित्रों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में यहां के लोग तांबे को निर्यात क्या करते थे, जिसके बदले में इन्हें अनाज मिलता था। क्या मिलता था? अनाज मिलता था, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल है और वहां के लोग कांसे का उपयोग करते थे। तो मित्रों मैंने पहले ही बताया कि कांसा किससे बनता है, जब तांबे में अगर टीन मिला दिया जाए तो कांसा बनता है, ठीक है ना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों को भी कांसा बनाने के लिए तांबे की जरूरत थी। इसलिए यहां के लोग जो थे गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को निर्यात करते थे, जिनके बदले में इन्हें क्या मिलता था? अनाज मिलता था। तो मित्रों गणेश्वर सभ्यता से बड़ी ये मेन चीजें हैं जो अपने को याद करने की जरूरत है, और इस सभ्यता से ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी, ठीक है ना।
प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। यहाँ के लोग जो थे मुख्य रूप से शिकार करते थे, आंशिक रूप में कृषि करते थे, ठीक है ना मेरे मित्रों। यहां से चावल के साक्ष प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष प्राप्त हुए मेरे मित्रों? चावल के साक्ष प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसी सभ्यता को ताम्र जननी, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना मेरे मित्रों। अब देखो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ताम्रयुगीन सभ्यता हो गई, ताम्रयुगीन के बाद जो सभ्यता आएगी वो आएगी कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता आएगी मित्रों? कांस्य युगीन सभ्यता, राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यताओं के स्थलों में से एक। सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। और उसी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कौन सा? कालीबंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है कालीबंगा, जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है लगभग जिसमें कालीबंगा से प्रश्न ना आया हो, यानी कि सभ्यताओं का चैप्टर है तो कालीबंगा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है इन सभ्यताओं में, क्योंकि बहुत बड़ी सभ्यता है का स्थल है और यहां से बहुत सारी चीजें अपने को प्राप्त हुई थी। तो देखो मेरे मित्रों, कालीबंगा की बात करूंगा। कालीबंगा जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता का स्थल है। कौन सी सभ्यता का स्थल है? कांस्य युगीन सभ्यता का स्थल है, ठीक है ना। अपन नहीं पढ़ लेते कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है कि कालीबंगा, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है कालीबंगा, नहीं। कांस्य युगीन तो पूरी सबसे बड़ी सभ्यता तो हड़प्पा है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसी हड़प्पा सभ्यता का केवल और केवल एक स्थल है कौन सा? कालीबंगा है। तो मेरे मित्रों कालीबंगा पढ़ने से पहले मैं आपको हड़प्पा के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। देखो ये है भारत, भारत ठीक है ना, और यहां पर पड़ता है पाकिस्तान। अब देखो हड़प्पा सभ्यता, इसी मित्रों इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सभ्यता एक ही है, नाम अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके इस सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा है क्योंकि यह सिंधु नदी की घाटियों में विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि पूरी सबसे बड़ी सभ्यता जिसमें सर्वाधिक किसका उपयोग किया गया? कांस्य का उपयोग किया गया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति यानी कि प्राचीन इतिहास की एकमात्र ऐसी सभ्यता जो किसमें विकसित थी, नगर सिटी के रूप में विकसित थी और शानदार स्ट्रक्चर के रूप में विकसित थी, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। किसके किनारे मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट, इस सभ्यता को 5 जातियों ने मिलकर विकसित किया था। पहली जाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी है द्रविड़,
तीसरी है मंगोलायु, चौथी है अल्पाइन और पांचवी है मेरे मित्रों भूमध्य सागरीय। ये पांच जातियों ने मिलकर इस पूरी हड़प्पा सभ्यता को क्या किया था, विकसित किया था। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, द्रविड़, मंगोलायु, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। यहां की मूल निवास जो जाति थी वो द्रविड़ जाति थी। कौन सी जाति थी? मूल निवास जाति जो है वो द्रविड़ जाति थी और इन सभी ने मिलकर इस सभ्यता का क्या किया था, विकास किया था। अब आगे मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अंतिम जो छोर है, एक तो एक छोर पड़ता है यहां पर, एक छोर पड़ता है यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर मुख्य छोर, क्योंकि ये सबसे उत्तरी बिंदु होगा हड़प्पा सभ्यता का, ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, ये सबसे पूर्वी बिंदु और ये सबसे पश्चिमी बिंदु होगा मेरे मित्रों, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं कि सबसे उत्तरी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। मांडा पड़ता है अखनूर में। कहां पर पड़ता है? अखनूर में। और अखनूर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर पड़ता है मित्रों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी सभ्यता का कोई भी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगा, तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो मांडा जो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। सबसे दक्षिणी बिंदु आ जाएगा तो वो आ जाएगा मेरे मित्रों देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। और देमाबाद पड़ता है अहमदनगर में और अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है मित्रों? महाराष्ट्र में अहमदनगर पड़ता है। और अहमदनगर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? तो नदी हो जाएगी मित्रों प्रवरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? प्रवरा नदी हो जाएगी। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो हो जाएगा आलमगीरपुर। कौन सा मित्रों? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में और मेरठ पड़ता है यूपी में। कहां पर पड़ता है? यूपी में। और आलमगीर जो है वो नदी हो जाएगी हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। इस नदी के किनारे मित्रों हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर पड़ता है बलूचिस्तान में। इसमें पड़ता है मित्रों बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान में। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो नदी हो जाएगी मेरे मित्रों दाश्क नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? दाश्क नदी। तो सबसे उत्तरी बिंदु चिनाब नदी के किनारे है, सबसे दक्षिणी बिंदु प्रवरा नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है हिंडन नदी के किनारे है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है मेरे मित्रों दाश्क नदी के किनारे है। अब मैं इन सारे बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं मित्रों तो ये हो जाएगी आपकी पूरी हड़प्पा सभ्यता। इनके एक दो सूरतों कोई वो जो है वो अफगानिस्तान में भी एक दो स्थल पड़ते हैं, उनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मित्रों देखो ये पूरी आपकी राज भारत में और पाकिस्तान में फैली हुई सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग, प्रथम नगरीय क्रांति और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है मेरे मित्रों? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 1400 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम हो जाएगी 1600 किलोमीटर, ठीक है ना मेरे मित्रों। आकृति पूछ ली जाए तो ये आकृति हो जाएगी त्रिभुजाकार। कौन सी हो जाएगी? त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लगभग की बात करें तो अपन 13 लाख मान सकते हैं इसको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
यानी कि लगभग पूछ लिया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, और सटीक पूछ लिया जाए तो 12 लाख 99 हजार 600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। ठीक है ना, अपने को यही याद रखना है। वर्तमान में तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी हो गई है, लेकिन अपने को यही याद रखना है। ठीक है ना, इस पूरी सभ्यता में टोटल 1400 स्थल खोजे गए थे। कितने? 1400 स्थल, जैसे कि अपन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है ना, राखीगढ़ी, धोलागिरा, लोथल, बनावली, रंगपुर, कालीबंगा, ऐसे सारे करके टोटल 1400 स्थल खोजे गए, जिसमें से 900 के लगभग भारत में है और 500 के लगभग जो है वो किसमें है? पाकिस्तान में है। तो इसलिए उन 1400 स्थलों में से केवल और केवल एक स्थल जो है वो राजस्थान में पड़ता है, और वो क्या है? कालीबंगा। तो मित्रों, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी काशी की सभ्यता है और कालीबंगा उसका केवल और केवल क्या है? एक स्थल है। तो इसके आगे अपन देखते हैं कालीबंगा के बारे में। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और देख ली थी, और इसी हड़प्पा सभ्यता के रिलेटेड अपन के अपने जो राजस्थान में सबसे बड़ी सभ्यता पड़ती है वो है कालीबंगा। कालीबंगा इतनी बड़ी सभ्यता है जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान की सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता जो है इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस कालीबंगा सभ्यता को पढ़ाने जा रहा हूं। कालीबंगा, अभी कालीबंगा मैंने शब्द यहां पर लिख दिया, तो आपको यह भी पता है कि कालीबंगा बड़ी सभ्यता है। हालांकि भारत में मैंने बताया है पहले कि भारत की सबसे बड़ी काश्य युगीन सभ्यता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, काश्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन या नगरीय क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा है, लेकिन उसी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कालीबंगा है वो राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में काश्य युगीन सभ्यता का स्थल है तो वो है कालीबंगा, या राजस्थान में काश्य युगीन सभ्यता कौन सी है तो वो है कालीबंगा। ठीक है ना, अब कालीबंगा के बारे में अगर आगे बात करें, कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, पहले बताया कि कोई सभ्यता का स्थल होगा तो वो किसी न किसी नदी के किनारे होगा, है ना। तो स्थान पूछ लिया जाए पहले, तो स्थान तो होगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। नदी पूछ ली जाए, अब यहां पर ध्यान से देखना, नदी पूछ ली जाए तो नदी है प्राचीन, प्राचीन नदी पूछ ली जाए तो आप करोगे सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। वर्तमान नदी पूछ ली जाए तो वर्तमान नदी हो जाएगी गग्गर नदी। इसी सरस्वती नदी को मैंने कहा है कि इसको दृश्यज्योति नदी के नाम से भी जाना जाता है, और वैदिक काल में यह नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी रही है। ठीक है, जितने भी वेद, रामायण, महाभारत वगैरह जो भी है वो सारे ग्रंथ इसी नदी के किनारे लिखे गए थे, इसलिए इसको सबसे पवित्र नदी वेदों में माना गया है। और प्राचीन नदी पूछ ली जाए तो सरस्वती, वर्तमान नदी पूछ ली जाए तो क्या करोगे? गग्गर। ठीक है, अब आगे बात करें कि सर्वप्रथम इस सभ्यता पर ध्यान आकर्षित किसने किया? देखो, खोजकर्ता और ध्यान आकर्षित दोनों में फर्क क्या है कि ध्यान आकर्षित का मतलब होता है कि यानी एक ऐसा स्थल है यहां पर कोई प्राचीन साक्ष्य होने चाहिए, ये होता है ध्यान आकर्षित, जिसके ऊपर उसके बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि अमरानंद घोष जो खोजकर्ता थे उनको उन्होंने इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान आकर्षित सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था एलपी टेसिडोरी ने। किसने किया था?
एलपी टेसी टोली ने सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था। और खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता यानी कि सबसे पहले इस सभ्यता का खोज किसने की थी, वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951 या 52 में इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, आगे बात करें उत्खनन की। उत्खनन, इसका उत्खनन किस किस व्यक्ति ने मिलकर किया था या किन किन इतिहासकारों ने मिलकर इस सभ्यता का उत्खनन किया था? वो थे एक तो बीबीलाल यानी कि ब्रजवासी लाल, दूसरे थे बीके थापर यानी कि बाल कृष्ण थापर। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस सभ्यता का उत्खनन 1961 से लेकर 1969 के बीच में किया था। अब ध्यान से सुनना मित्रों कि रीट में पूछा जाने वाला सबसे बढ़िया प्रश्न, चाहे इसको आप हिस्ट्री का प्रश्न बोलो, चाहे इसको आप करंट अफेयर्स का प्रश्न बोलो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट से भी रिलेट कर लिए जाते हैं प्रश्न करंट अफेयर्स के। अब देखो, हाल ही में किस पुरातत्ववेत्ता का निधन हुआ था? तो यह प्रश्न है, ध्यान से सुनना कि हाल ही में किस पुरातत्ववेत्ता का निधन हुआ था? तो निधन हुआ था बीबीलाल का, ब्रजवासी लाल का निधन हुआ था 10 सितंबर 2022 को। ये इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले कि हाल ही में किस पुरातत्ववेत्ता का निधन हुआ था। तो बीबीलाल ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हुआ था, 10 सितंबर 2022 को निधन हुआ था। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर कालीबंगा की छोटी मोटी बातें थी, ये मैंने आपको बता दी। अब कालीबंगा की बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा में क्या क्या था, ये सारी बातें अपन आगे चर्चा करते हैं। देखो, अब क्या होता है कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा आपको पता है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य के बारे में मैंने पहले बताया है, जब तांबे में टीन मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आपका कांसा बन जाएगा। ठीक है, और वह सभ्यता जिसने सर्वाधिक कांसे का प्रयोग किया था तो वह सभ्यता कांस्य युगीन कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करें कालीबंगा भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। प्रथम, तो प्रश्न यह भी आ जाता है देखो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो वो है कालीबंगा। मैंने पहले बताया है, अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी और भारत आजाद हुआ था 1947 में। तो राजस्थान में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, तो कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीनहीन बस्ती के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा की बात करें आगे, तो कालीबंगा की जो सड़कें हैं एक दूसरे के आपस में समकोण पर काटती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, कैसे? देखो मैं बता देता हूं आपको पूरा बढ़िया स्ट्रक्चर कि आपस में समकोण पर कैसे काटती थी। एक सड़क ये जा रही,
दूसरी सड़क इसको काटते हुए ये निकल गई, निकल गई, ठीक है ना। अब मैं यहां से सड़क बना देता हूं कैसे करके, ये देख रहे, अब ये होगी बड़ी सड़क। और बड़ी सड़कों में, अब ये बड़ी सड़क होगी मैं, अब बड़ी सड़कों में क्या होता था, अब अंदर से भी जो छोटी छोटी सड़कें थी वो भी आपस में समकोण पर काटती थी। जैसे यहां से छोटी सड़क निकल जाएगी, ये आपस में समकोण पर काटेगी, है ना, ये आपस में समकोण पर काटेगी। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी गलियां होगी वो भी आपस में समकोण पर काटेगी। ये देखो आपस में समकोण पर सारी गलियां जो थी आपस में समकोण पर कट गई। अब जितनी भी सड़कें थी कालीबंगा की या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सारी सड़कें जो है आपस में समकोण पर काटती थी, ठीक है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक जालनुमा बन गया, जालनुमा बना है ना, इसीलिए इसको जाल पद्धति भी कहा जाता है। जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति, और ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। इन सभी पद्धतियों के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि ग्रिड पद्धति से बिछाई गई थी तो कालीबंगा की सड़कें, ठीक है, कालीबंगा की सड़कें ग्रिड पद्धति से थी, या जाल पद्धति कह लो, चेस बोर्ड, शतरंज आपने खेला होगा, शतरंज के जो बॉक्स वगैरह होते हैं जिनकी लाइनें भी आपस में क्या करती है, समकोण पर काटती है। ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है, मतलब सभ्यता नहीं, इसकी सड़कें जो थी जो समकोण पर काटती है उन्हें इन सभी पद्धतियों के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, ये कालीबंगा की सड़कें थी। आगे बात करूं, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष प्राप्त हुए, किसके साक्ष प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष। अब देखो अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछ करती है, कई बार देखो प्रश्न तो होगा वही होता है लेकिन घुमाया कैसे जाता है प्रश्न। अब ध्यान से सुनना कि अपने को पता है कि जूते हुए खेत के साक्ष कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त, अपन पहली बात ही जानते, ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग अगर एग्जामिनर ने लगा दिया वो प्रश्न घुमाएगा, आंसर होगा वही। अब ध्यान से सुनना, खेत जूते हुए खेत है, अब खेत किससे जोता जाता है, और किसान परिवार से है अपने को पता है कि खेत किससे जोता जाता है, हल से जोता जाता है, हल से जोता जाता है। अब वो प्रश्न पुटअप क्या करेगा, ध्यान से सुनना, कि वह सभ्यता जहां से हल के साक्ष प्राप्त हुए लेकिन हल प्राप्त नहीं हुआ, प्रश्न होगा वही है, आंसर भी इसका होगा वही है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं प्रश्न आप दो बार पढ़ लीजिए, फिर ध्यान से शांतिपूर्वक अपने उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष अपने को पता है, खेत किससे जोता जाता है, हल से जोता जाता है। प्रश्न पूछ लेगा कि वह सभ्यता जहां से हल के साक्ष प्राप्त हुए, क्योंकि जूता है तो खेत जूता हुआ है तो खेत तो ऑब्वियसली हल से जोता गया होगा, ठीक है ना। तो हल के साक्ष तो अपने को प्राप्त हुए लेकिन हल प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से मिश्रित खेती के साक्ष प्राप्त हुए हैं, किसके, मिश्रित खेती के साक्ष यहां से प्राप्त हुए हैं। मिश्रित खेती आपने पढ़ा होगा कि खेती यानी कृषि करने के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाती है, बात सही है, ये पशुपालन भी करते थे, ये खेती भी करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मिश्रित खेती का मतलब है, देखो जैसे कि ये कोई खेत है, ठीक है ना, तो मिश्रित खेती का मतलब होता है कि यहां पर इसकी की मैं अगर बात करूं तो एक ही खेत में दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे कि ये आड़ी आपने बो दी सरसों, क्या बो दी, सरसों, और थोड़े से गैप में या खड़ी आपने बो दी चना,
क्या बोली चना, आड़ी तो सरसों हुई है और खड़ी चना, यानी कि एक ही खेत में दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। ध्यान से सुनना, मिश्रित खेती दो प्रकार से, अगर पशुपालन पशुपालन के साथ या कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है वो भी मिश्रित खेती कहलाती है। इसलिए में एक ही खेत में दो फसलों को उगाना भी क्या कहलाती है, मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन कालीबंगा में आगे और पढ़ते हैं कि कालीबंगा से मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न अधिकतर पूछा गया है, आप एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना कि कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, क्या मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है और इस बच्चे की खोपड़ी में छह छिद्र हैं। कितने छिद्र हैं, छह छिद्र हैं। खोपड़ी भी बहुत शानदार बना देता हूं मैं कभी कभी, देखना कि शानदार की तो बात क्या कहूं, लेकिन ये हो गई बच्चे की खोपड़ी, ऐसी होती है लगभग तो मेरे हिसाब से। अब देखो बच्चे की खोपड़ी ये प्राप्त हो गई, अब इस बच्चे की खोपड़ी में छह छिद्र मिले थे, तीन चार पांच छह, ठीक है। अब इससे इतिहासकार ने अनुमान क्या लगाया कि बच्चे की खोपड़ी में जो छह छिद्र मिले हैं, जो शल्य चिकित्सा या कपाल छेदन विधि शल्य चिकित्सा या कपाल छेदन विधि के साक्ष्य है, कोई जरूरी नहीं है शल्य चिकित्सा या जाए कि वह सभ्यता जहां से कपाल छेदन विधि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, या शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए, बच्चे की खोपड़ी जिसमें छह छिद्र कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए, कालीबंगा वह सभ्यता है जिससे एक एक शब्द आपका प्रश्न बन जाएगा, हर शब्द आपका प्रश्न बनेगा। देखो और आगे बढ़ते हैं अपन कि बच्चे की खोपड़ी हो गई, जूते हुए खेत के साक्ष हो गए और मिश्रित खेती के साक्ष हो गए। उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन और पढ़ते हैं कि कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, हवन कुंड प्राप्त हुए जिसमें पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है, क्या मिली है, पशुओं की जली हुई हड्डियां। अब क्या अनुमान लगा हुए मेरे मित्रों, अनुमान क्या लगा हुआ, देखो हवन कुंड है, पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है, तो एक ही अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि उस समय पशु बलि प्रथा प्रचलित थी, प्रथा देखो बलि की बात आ गई। अब बलि के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि बलि का भी अपना इतिहास, ठीक है ना, बलि जैसे पहले अपन बात करें कि अंधविश्वास की अगर बात करें तो अंधविश्वास तो अब पुराने लोगों की मान्यता थी, अब पहले नर बलि दी जाती थी, इंसान की बलि दी जाती थी, अगर उसको कोई चोट वगैरह लगती थी तो उस बलि को खंडित माना जाता था, ठीक है ना। बलि के बाद फिर नर बलि के बाद फिर पशु बलि दी जाने लगी, पशु बलि के बाद फिर अभी लगभग बहुत सी जगह होता भी है बकरे की बलि दी जाती है, और अब लगभग वो भी कम हो गया है क्योंकि अब केवल बकरे का कान काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, छोटा सा कान काट दिया जाता है और उस बलि को पूर्ण माना जाता है। ये था बलि का इतिहास। और बलि बलि एक चीज और बता देता हूं कि वैदिक काल में ये बलि जो है एक कर होता था, क्या होता था, टैक्स। वैदिक काल दो भागों में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें अपन जिक्र करेंगे कभी। देखो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय रहा है। अब ये जो बलि है वैदिक काल में कर भी हुआ करता था, ऋग वैदिक काल में ये स्वैच्छिक था, क्या था, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब कि इस कर के आपकी इच्छा पर निर्भर करता था कि ये कर आप दो तो आपकी इच्छा, नहीं दो तो भी आपकी इच्छा। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस बलि कर को कंपल्सरी कर दिया गया क्योंकि आपको ये कर
देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पशुओं की हड्डियां मिली है तो पशु बलि के साक्ष्य जो अनुमान इतिहासकार कालीबंगा सभ्यता से लगाते हैं, उसके बाद आगे बात करें तो यहां से हड़प्पाई लिपि प्राप्त हुई है। कौन सी लिपि? हड़प्पाई लिपि। अब हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि के बारे में अगर मैं बात करूं तो हड़प्पाई लिपि हड़प्पा की लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना, यह लिपि भावचित्रात्मक थी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, है ना। अब मैं बात करूं हड़प्पाई लिपि प्राप्त हुई है, देखो हड़प्पाई लिपि की अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी लिखी गई थी जिसको अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ के बता दीजिए सर जी। ऐसी हड़प्पाई लिपि लिखी गई थी और भाव चित्रात्मक थी, पढ़ नहीं सकते क्या लिखा है, क्या लिखा कुछ मैंने वगैरह किए हुए। अब ये लिपि कैसे थी? ये लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, अपने भावों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? भाव चित्रात्मक कहलाता है। ठीक है, तो यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसी लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। सर्पिलाकार, सांप कैसे चलता है, रेंगते हुए चलता है कि नहीं चलता है? जैसे दाएं से इसको स्टार्ट किया और बाएं तक खत्म हो गई, फिर दूसरी लाइन वापस बाएं से स्टार्ट की, दाएं तक खत्म हो गई, फिर वापस दाएं से स्टार्ट की, बाएं खत्म हो गई, फिर बाएं से दाएं, ऐसे सर्पिलाकार इस लिपि को लिखा जाता था और भाव चित्रात्मक थी। अपने भावों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने करना ही क्या कहलाता है? भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक का अध्ययन पिक्टोग्राफी कहलाता है। भाव चित्रात्मक का अध्ययन क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफी कहलाता है। मेरे मित्रों, आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की जितनी भी इमोजी है वो सारी पिक्टोग्राफी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पिक्टोग्राफी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप हंस रहे हो तो सामने वाले को जताना चाहते हो आप हंस रहे हो, तो आप हंसने वाली इमोजी लगाते हो, लगाते भी नहीं लगाते हो, तो वो अपने मन के भाव है। अपने मन के भावों को अपन चित्र के माध्यम से क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? भाव चित्रात्मक कहलाता है, जिसका अध्ययन पिक्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाएं तो हवन कुंड की बात हो गई, हड़प्पाई लिपि की बात हो गई। अब आगे बात करूं मैं तो मैं कालीबंगा के नगर की बात करना चाहूंगा। अब देखो ध्यान से पढ़ना, कालीबंगा का नगर दो भागों में डिवाइड था। कितने भागों में डिवाइड था? दो भागों में डिवाइड था। एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। दो टीले हो गए, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला, दो भागों में हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगा का जो सभ्यता है उसका नगर दो भागों में डिवाइड है, तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि पूर्वी टीले के मुकाबले पश्चिमी टीला जो है वो ज्यादा विकसित था। अब ज्यादा विकसित की बात करो, विकसित कैसे होगा? क्योंकि यहां के नगरों की व्यवस्था और यहां के नगरों की व्यवस्था थोड़ी डिफरेंट थी। यानी कि यहां के नगर, ये जो नगर है, यहां के नगर के मुकाबले ये वाला नगर जो है वो बहुत अच्छा और सुंदर बना हुआ था। यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, यहाँ के मकानों की व्यवस्था, इसके मुकाबले यहाँ की बहुत अच्छी थी। इसलिए कहते हैं कि पूर्वी टीले के मुकाबले पश्चिम टीला क्या था? ज्यादा विकसित था। इसी कारण इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि पूर्वी टीले में व्यापारी व आम जनता निवास करती थी। कौन निवास करती थी? व्यापारी व आम जनता निवास करती थी, जबकि पश्चिमी टीले में राजा, पुरोहित और अधिकारी निवास करते थे। कौन कौन? राजा, पुरोहित और अधिकारी निवास करते थे। और पश्चिमी टीला जो है वो चारों तरफ से दुर्गी तरफ था, यानी कि सुरक्षा प्राचीर से गिरा हुआ था। किससे गिरा हुआ था? सुरक्षा प्राचीर से गिरा हुआ था। और
इसी पश्चिमी, जो पश्चिमी टीला है वो टील पूर्वी टीले के मुकाबले थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था। इस पर बना हुआ था थोड़ा ऊंचाई पर, यानी कि इस पठार पर बना हुआ था। जैसे कि यहां पर ये पूरा पूर्वी टीला है तो यहां से थोड़ा ऊंचाई पर क्या बना हुआ था, पश्चिमी टीला जिसके ये नगर है ये बना हुआ था। तो ये थी कालीबंगा के नगरों की व्यवस्था। ठीक है, अब कालीबंगा के नगरों की व्यवस्था हो गई। अब मैं बात करूं पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक मकान, अपने सड़कों की बात कर ली, सड़कों के बाद नगर की बात कर ली, और नगरों के बाद में आगे बात करूंगा एक मकान की कि कालीबंगा सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता के लगभग स्थलों से कैसे मकान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, शायद किसी वीडियो में ये चीज आपको देखने को मिले, ये ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता का ये कोई मकान है, मकान के आगे ये हो गई मुख्य सड़क, क्या हो गई मुख्य सड़क हो गई, और मुख्य सड़क। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की मेन विशेषता, हड़प्पा सभ्यता के और कालीबंगा सभ्यता की जो मकानों की स्थिति है, वो मकानों की स्थिति में जो मेन गेट है मुख्य द्वार, वो सड़कों की तरफ न खुलकर सड़कों के पीछे की ओर खुलते थे। आज के मकान अपन मेन गेट कहाँ होता है, सड़कों के आगे होता है ना, लेकिन उस समय पूरी हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा की बात नहीं करता, पूरी हड़प्पा सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं कि उनके मकानों का जो मेन गेट है मेन मुख्य सड़क पर न खुलकर मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। एकमात्र स्थल लोथल को छोड़कर, किसको छोड़कर, लोथल को छोड़कर, क्योंकि लोथल में जो मकानों के मेन गेट है वो मुख्य सड़कों पर खुले हुए हैं। एक प्रश्न यहां से भी उठता है आपकी इंडियन हिस्ट्री से, ध्यान रखना। अब देखो आगे की बात करते हैं, ये जो मेन गेट हो गया, इस मेन गेट के आगे यहां पर बड़ी सी दीवार बनी हुई होती थी। क्या बनी हुई होती थी, बड़ी सी दीवार, ताकि बाहर वाले जो लोग हैं जब गेट वगैरह खुले हों तो अंदर न जा सके, इसीलिए यहां पर बड़ी सी दीवार बनी हुई होती थी और इस साइड से यहां से प्रवेश किया जाता था। ठीक है, जिसके बाएं तरफ तो बना होता था स्नानागार, क्या बना होता था, बाथरूम स्नानागार, और दाएं तरफ बना हुआ होता था रसोई, क्या बना होता था रसोई। अब मकानों में जो पानी, जो बाथरूम में पानी निकासी की व्यवस्था दक्षिण पश्चिम की ओर से होती थी, कौन सी दिशा से, गंदा पानी जो अपन नाले वगैरह से निकालते नालियों से, तो दक्षिण पश्चिम की ओर से उसकी निकासी की क्या थी, व्यवस्था थी। अब जैसे ही अपन आगे बढ़े तो यहां पर ये बड़ा सा आंगन था, हॉल जिसको अपन कहते, ठीक है ना, बड़ा सा आंगन था और बहुत से मकानों में आंगन में कुएं भी प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कुएं भी प्राप्त हुए हैं, और इस आंगन के चारों तरफ अपने को क्या देखने को मिलते हैं, कमरे देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, कमरे देखने को मिलते हैं। अब आज के मकानों का स्ट्रक्चर और उस समय के मकानों के स्ट्रक्चर में अगर अपन तुलना करें तो आपने देखा होगा कि अपने मकान जो होते हैं, अपने मकानों की जो सीढ़ियां होती है वो हॉल अटैच होती है, हॉल से अटैच होकर सीढ़ियां जाती है। लेकिन आप कभी कोई पहले गांव में कोई मकान वगैरह बना हुआ हो तो आपने देखा हो कि ऊपर जाने के लिए जो मकानों की सीढ़ियां हैं वो पर्टिकुलर किसी एक अलग कमरे में जाकर ऊपर जाने के लिए जो है वो सीढ़ियां बनी हुई होती थी। तो वैसे ही सीढ़ियां कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता के मकानों में देखने को मिली है कि सीढ़ियां हॉल अटैच न होकर वो किसी पर्टिकुलर एक मकान के कमरे में जाकर ऊपर जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी। तो ये था कालीबंगा के मकानों का स्ट्रक्चर, कालीबंगा के नगर का स्ट्रक्चर और कालीबंगा की सड़कों का स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद आगे और मैं बात करना चाहूंगा कि कालीबंगा से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा ध्यान से पढ़िएगा मेरे मित्रों, क्योंकि कालीबंगा एक वह सभ्यता है जिससे प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं, आपको भली बात पहले से पता होगा। क्योंकि देखो कालीबंगा से और क्या 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 प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष प्राप्त हुए, किसके साक्ष प्राप्त हुए, भूकंप के साक्ष। इसी कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए थे, हवन कुंड, चिरायु कब्र,
चिरायुक्त। अब देखो चिरायुक्त कुंड क्या होती है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। भूकंप के साथ हवन कुंड चिरायुक्त कब्र यहां से प्राप्त हो गई, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक एक तो ये स्वास्तिक होता है और एक ये स्वास्तिक होता है, उल्टा स्वास्तिक और ये होता है सीधा स्वास्तिक, ठीक है। उल्टा हमेशा शुभ का प्रतीक होता है और सीधा स्वास्तिक हमेशा शुभ का प्रतीक होता है। एक प्रश्न और बता देता हूं, सबसे तानाशाही व्यक्ति हिटलर, हिटलर के ध्वज में उल्टा स्वास्तिक था। क्या था? उल्टा स्वास्तिक हिटलर के ध्वज में था, लेकिन इसको सीधा स्वास्तिक कहा जाता है। स्वास्तिक यानी कि स्वास्तिक जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। अपन पूजा में स्वास्तिक की पूजा करते हैं तो सीधी सीधी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। तो स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ था। और आगे बात करूं तांबे की वृषभ आकृति, वृषभ मैंने आहार में बताया था, आहार में की मिट्टी की वृषभ आकृति कहां से प्राप्त हुई, तो आप करोगे आहार। तांबे की वृषभ आकृति कहां से प्राप्त हुई, तो आप क्या करोगे? कालीबंगा करोगे। यहां से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरें, मोहरें। अब देखो बेलनाकार, बेलन अपन ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे होता है बेलन अपन जो गणित में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश वाले सिलेंडर कहते हैं, ठीक है ना। तो बेलनाकार मोहरें यहां से प्राप्त हुई है, यहां से अलंकृत ईंटों के साथ प्राप्त हुए हैं। किसके? अलंकृत ईंटों के साथ प्राप्त हुए हैं। यहां से हाथी दांत का कंघा मिला है, यहां से बारह सिंह के साक्ष प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष प्राप्त हुए हैं? बारह सिंह के साक्ष प्राप्त हुए हैं। यहां से कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है, यहां से कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहां से बहुत सी चीजें और प्राप्त हुई थी, जैसे कि मैं अगर आगे बात करूं, यहां से ऊंट की हड्डी के साथ यहां से प्राप्त हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ऊंट की हड्डी के साथ यहां से प्राप्त हुए। यहां से एक इंपोर्टेंट चीज और, यहां से लकड़ी की नाली के साथ प्राप्त हुए हैं। इसके लकड़ी की नाली के साथ प्राप्त हुए हैं। तो मोटी मोटी चीजें जो है, ये जो ऐसे प्रश्न है जो बस पूछ ले जाते हैं। अब देखो यहां से हर शब्द आपका प्रश्न बनेगा कि भूकंप के साथ कालीबंगा, हवन कुंड, चिरायु कब्र, स्वास्थ्य का चिन्ह, तांबे की वृषभ आकृति, बेलना का मोहरे, अलंकृत ईंटों के साथ, हाथी दांत का कंघा, बारह सिंह के साथ, कांस्य का दर्पण, ऊंट की हड्डी के साथ और लकड़ी की नाली के साथ भी कालीबंगा सभ्यता से क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। अब अगर आगे बात करें की जाए तो आगे अपन बात करेंगे कालीबंगा की कब्रों की। कब्रें यहां से तीन प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयताकार कब्र, आयताकार कब्र। अब आयताकार कब्र, दूसरी थी आयताकार और ये अंडाकार भी होती थी। जो आयताकार भी होती थी, अंडाकार भी होती थी, इसी को अपन क्या कहते हैं? चिरायु कब्र। क्या कहते हैं? चिरायु कब्र। और तीसरी होगी युगल समाधान, युगल समाधान। ये तीन प्रकार की यहां से कब्रें प्राप्त हुई थी। कैसे हुआ था? देखो आयताकार कब्र, ये कोई आयताकार कब्र हो गई, ठीक है। इसमें जो मृत शरीर है उसको सीधा लिटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीधा लिटाया जाएगा। मृत शरीर का जो सिर है वो उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। और इस सिर के पास मृदबाण रखे गए थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन रखे गए थे मृदबाण। ये हो गया आयताकार कब्र। अब अंडाकार और आयताकार यानी कि चिरायु कब्र की बात की जाए तो यह हो गई, ठीक है ना। अब इसमें मनुष्य का जो शरीर है उसके हाथ और पैर इसमें क्या कर दिए जाते थे? मोड़ दिए जाते थे। हाथ और पैर मोड़ दिए और सिर वही उत्तर दिशा में होगा,
ठीक है ना, और इसके सिर के पास मृदबाण और आभूषण रख दिए जाते थे, आभूषण व मृदबाण रखे गए थे। अब युगल समाधान, युगल समाधान की बात करें तो एक ही कब्र में दो या दो से अधिक शवों को दफनाना क्या कहलाता है, युगल समाधान। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक शवों को दफनाना युगल समाधान कहलाता है। तो ये तीन प्रकार की कब्रें जो है वो कालीबंगा सभ्यता से क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। तीनों के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा कि सर ये दफना तो दिया, तो क्या काम पड़ा कि मृदबाण यानी कि मिट्टी के बर्तन और आभूषण वगैरह रखे गए थे। ठीक है, अब क्यों रखे गए थे, क्योंकि देखो उस समय लोगों की मान्यता थी कि इनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तु, इनको इनके मरने के बाद इनको आगे जाकर, उनकी मान्यता थी कि आगे जाकर इनको कोई तकलीफ ना आए, इसलिए इनके मरने जब ये इनको दफनाते थे तो इनके दैनिक जीवन में आने वाली जो वस्तुएं थी वो सारी इनके साथ क्या कर दी जाती थी, दफना दी जाती थी। ऐसे उन लोगों की क्या थी, मान्यता थी। अब आगे की बात करें कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता को, अब मैंने पहले बताया कि हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी बड़ी सभ्यता है, ठीक है ना, और उस हड़प्पा सभ्यता का केवल एक स्थल है कौन सा, कालीबंगा। तो उसी हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है ना, वो जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता की इस कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीसरी राजधानी। जैसे मैंने आपको पूरी हड़प्पा सभ्यता बताई, हड़प्पा सभ्यता मैंने पूरी आपको बताई, तो बताने के बाद ये जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना, इसकी तीन राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी, तीन राजधानी। तीन राजधानी कैसे थी, अब ये हड़प्पा हो गई हड़प्पा सभ्यता, और इस हड़प्पा सभ्यता की तीन राजधानियां थी। पहली पहली स्वयं कौन सी थी, हड़प्पा। दूसरी थी मोहनजोदड़ो, कौन सी थी, मोहनजोदड़ो। और तीसरी कौन सी हो गई, कालीबंगा। ये तीन राजधानियां इस हड़प्पा सभ्यता की। अब क्यों थी, क्योंकि ये तीनों स्थल ऐसे हैं जो बहुत बड़े भी थे और तीनों में कुछ न कुछ समानताएं पाई गई है, इसलिए इतिहासकारों ने इनको राजधानियां कहा है। ठीक है, अब प्रश्न बताया किसने कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहा था, स्टुअर्ट पिकर्ड ने। किसने कहा था, स्टुअर्ट पिकर्ड ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी कहा था। कालीबंगा को मोस्ट आईएमपी लिख देना कि कालीबंगा को राजधानी कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा था। पहली और दूसरी राजधानी स्टुअर्ट पिकर्ड ने, हड़प्पा के बारे में अपने पढ़ा थोड़ा बहुत देखा था, और हालांकि इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, इसके बारे में अपन आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पास स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, अभी फिल्म भी आई थी मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, ठीक है ना, इसी ऐतिहासिक फिल्में देखने के लिए मैं आपको कहूंगा जरूर, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक फिल्में हैं जिनको आपको देखना है, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत सी चीजें तो वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि अपन बात करें कि बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी की पिक्चर तो है, लेकिन बाजीराव मस्तानी में अपने को रणवीर सिंह को नहीं देखना है भैया, अपने को देखना है उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय कौन कौन थे, बाजीराव मस्तानी की पत्नी कौन थी, कौन थी है ना, उसकी प्रेमिका कौन थी। अब ये सारी चीजें अपने को ध्यान में आती, पृथ्वीराज चौहान, हाल ही में अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी, पृथ्वीराज चौहान की फिल्म है, तो उसमें अपने को अक्षय कुमार को वगैरह इनको नहीं देखना है, तो अपने को क्योंकि पढ़ाई करना है, पहले नौकरी फिर आएगी छोकरी, फिर आप आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, क्योंकि अपने माँ बाप को अपने से कुछ उम्मीदें हैं, अपने परिवार को अपने से कुछ उम्मीदें हैं, समाज हमेशा उसी व्यक्ति की वाहवाही करता है जिसने कुछ किया है, सफलता
त्याग मांगती है, मानसिक बलिदान मांगती है, क्योंकि जब तक अगर आप सफल नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी गांठने वाला नहीं है। खुला कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी गांठने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? ये आप भली बात ही जानते हो, आज कदर उसकी होती है जिसने कुछ किया है अपने जीवन में, है ना। और जीवन में कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज और बता देता हूं, सफलता और मेहनत ये दोनों आपस में बहने होती है। क्या होती है? बहने होती है। अब सफलता के पास या सफलता के पास जाने के लिए सफलता का रास्ता केवल मेहनत को पता है। किसको पता है? मेहनत को पता है। अब मेहनत को अगर सफलता तक पहुंचना है तो मेहनत से वो चीज पूछनी तो पड़ेगी, है ना। तो अगर मेहनत से अगर पूछना है तो मेहनत आसानी से बताएगी नहीं, और मेहनत को मनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता तक क्या करोगे, पहुंच पाओगे। इसीलिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये तीनों इस सभ्यता की क्या रही हैं? राजधानियां रही हैं। स्टुअर्ट पिकेट ने इन दोनों को राजधानी कहा था। मोहनजोदड़ो की मैं बात कर रहा हूं कि मोहनजोदड़ो एक फिल्म आई थी, ठीक है ना, उसमें आपको विशाल स्नानागार दिखाया गया है। उसने उस समय की मूर्तियां कैसी थी, रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, मकानों के स्ट्रक्चर कैसे थे, उस समय की मूर्तियां और आसपास का स्ट्रक्चर लगभग समान ही आपको उस फिल्म में आपको बता रखा है। मैं ऐसी ऐतिहासिक फिल्में देखने के लिए आपको जरूर कहूंगा, बाकी अदर पिक्चरें मैं आपको देखने के लिए नहीं कहूंगा। ये वो फिल्में हैं जो आपके ज्ञान में हमेशा क्या करेगी, वृद्धि करेगी। मोहनजोदड़ो, इसी मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग, नकली स्थान, मुर्दों का टीला आदि नामों से इसको जाना जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है ना। नकली स्थान मैंने इसका नाम दिया। नकली स्थान का मतलब होता है कि रेगिस्तान के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र, उस समय ये सारा मरुस्थल था, अभी भी है, और मोहनजोदड़ो रेगिस्तान में स्थित हरा भरा क्षेत्र था, इसलिए इसको नकली स्थान का भी नाम दिया गया था। और कालीबंगा की राजधानी ऑब्वियसली है। एक प्रश्न और यहाँ कालीबंगा से बनता है कि कालीबंगा से प्राप्त उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए, क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने 1985-86 में संग्रहालय का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? संग्रहालय का निर्माण करवाया था। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा से प्राप्त उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने संग्रहालय का निर्माण कब करवाया था? तो 1985 और 1986 में संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कालीबंगा का अगर समय पूछ लिया जाए तो कालीबंगा लगभग 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में बनती थी, और ये जो समय है सिर्फ और केवल विधि के द्वारा तय किया गया है, और सर्वाधिक मान्य यही होगा, ठीक है ना, सिर्फ और केवल। अब देखो C14 की बात आई है तो C14 के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है ना। इस विधि से किसी भी सजीव वस्तु की प्राचीनता का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करता हूं, देखो एक कोई जीव है सजीव, कोई इंसान हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई जीव जंतु कोई भी हो गया, पेड़ पौधे, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव वगैरह जो भी हो गए, ये सारे सजीव हैं। अब इनकी प्राचीनता का पता लगाया जाता है C14, यानी कि कार्बन 14 विधि से इसकी प्राचीनता का पता। कोई भी मनुष्य जीवित है, अगर वो मर गया, मरने के बाद उसके अंदर शरीर में दो कार्बन होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14, ठीक है ना। कार्बन 12 और कार्बन 14 दो प्रकार के कार्बन होते हैं। किसी भी मृत शरीर अगर वो मर गया है तो C12 की मात्रा एज इट ही रहेगी, इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो C14 की मात्रा कम होनी प्रारंभ हो जाएगी, और इसी की मात्रा से पता लगा लिया जाता है कि ये जीव आज से
इतने साल पहले क्या था, जीवित था। इससे 14 विधि का आविष्कार विलियार्ड लिपि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? विलियार्ड लिपि द्वारा किया गया था। 1949 के लगभग इन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था और इस विधि के तहत ही, और इस विधि से आविष्कार तो उन्होंने कर दिया और इस विधि का सबसे पहले प्रयोग विलियार्ड लिपि ने लकड़ी पर किया था। किसके ऊपर किया था? लड़की पर नहीं, लकड़ी पर, यानी कि ये वुड वगैरह आते हैं ना लकड़ी, इस लकड़ी पर किया गया था। और इस लकड़ी पर जैसे किया और इस प्रयोग में विलियार्ड लिपि सफल रहे और उन्होंने कहा था कि ये लकड़ी इतने साल पुरानी है, आज से इतने साल पहले यह लकड़ी पेड़ पर लगी हुई थी, यानी कि जीवित थी, ठीक है ना। और इसी कारण इस विधि के आविष्कार होने के कारण रसायन शास्त्र द्वारा 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो एक प्रश्न आपका बहुत बढ़िया यहाँ से और क्लियर होता है कि किसी भी सजीव वस्तु की प्राचीनता का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो सिर्फ 14 विधि द्वारा नहीं लगाया जाता है। समझ में आने बात? तो ये हो गई आपकी कालीबंगा सभ्यता, राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करें, कालीबंगा सभ्यता काशी युगीन थी जो हो गई, अब अपन आगे बात करते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, अब बैराट सभ्यता, बैराट का प्राचीन नाम, बैराट का प्राचीन नाम क्या है? बैराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। क्या नाम है? विराट नगर। वही विराट नगर मेरे मित्रों, वही विराट नगर जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, ठीक है ना। इस विराट नगर, बैराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। बैराट स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान करोगे आप जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। नदी, नदी हो जाएगी बाणगंगा। कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा। खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता, खोजकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, कैलाश नाथ दीक्षित, और नील रत्न बनर्जी, इन सभी ने मिलकर इस सभ्यता का खोज और उत्खनन किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी, कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने इस बैराट सभ्यता को खोजा है और इसका उत्खनन किया है। देखो बैराट सभ्यता के आगे बात करूं तो बैराट सभ्यता के साक्ष बीजक की डोंगरी, भीम की डोंगरी, मोती डोंगरी और महादेव की डोंगरी, इन सभी से बैराट सभ्यता के क्या हुए थे? साक्ष्य भी प्रश्न आया था कि बैराट सभ्यता से किस डूंगरी से या किस पहाड़ी से बैराट सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तीन अलग दे देंगे, एक इसमें से कोई भी दे देगा, या फिर नहीं है तीन यही दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। तो समझ में आ गया, प्रश्न कहीं से भी पुटअप किया जा सकता है, इसलिए मेरे मित्रों आप ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का सही उत्तर दें। बीजक की डोंगरी, भीम की डोंगरी, मोती डोंगरी और महादेव की डोंगरी, इन सभी से बैराट सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। और आगे बात करूं बैराट सभ्यता की बात करें तो देखो सबसे पहले एक व्यक्ति आया था 1837 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है कैप्टन बर्ड। कौन था? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने यहां से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। सबसे पहले यहां से खोज तो हालांकि बाद में की गई थी, ठीक है ना, 1936-37 के लगभग, लेकिन 1837 में इस कैप्टन बर्ट ने इस जगह से यहां से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा और 1840 में
इसे यहां से काट कर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया। किसमें सुरक्षित रख दिया गया? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूं तो बैराट सभ्यता से मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, बुद्धकालीन और कुषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहां अब ये जो मैं बैराट सभ्यता पढ़ा रहा हूं ये जो है एक लोहे युगीय सभ्यता है, यहाँ से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न आ जाए कि बैराट सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है, तो ये लोहे युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोहे युगीन। तो यहाँ से मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, बुद्धकालीन और कुषाणकालीन यहाँ से साक्ष्य क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। आगे बात करें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ और कि बैराट सभ्यता, ये जो बैराट सभ्यता है यहां से सिक्के भी प्राप्त हुए, ठीक है ना। यहां से अगर मैं बैराट सभ्यता से बात करूं तो यहां से अशोककालीन सम्राट अशोक जो है ना, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर स्तूप व मठ यहां से प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर स्तूप और बौद्ध मठ यहां से प्राप्त हुए थे। और बात करूं यहां से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। कितने? 36 यहां से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। चांदी के सिक्के में भी देखो 8 पंचमार्ग सिक्के थे, चांदी के थे, ठीक है, सिक्के 8 पंच चांदी के पंचमार्ग सिक्के थे। अब 8 तो ये हो गए, ठीक है, बाकी बचे कितने? 28 यूनानी शासकों के थे। इसके थे यूनानी शासक, 8 चांदी की पंचमार्ग मुद्राएं हैं यानी कि सिक्के, ठीक है, और 28 किसके हैं? यूनानी शासकों के। अब इन 28 में से भी 16 जो सिक्के हैं वो अकेले यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। किसकी हैं? मिनेंडर। 8 चांदी के पंचमार्ग मुद्राएं प्राप्त हो गई, ठीक है ना, बची कितनी? 28 कितनी किसकी थी? यूनानी शासकों की। और 28 में से भी 16 यूनानी शासक मिनेंडर की थी, अकेले यूनानी शासक मिनेंडर की। अब एक चीज और, सिक्कों की बात आई है, ठीक है ना, अब सिक्कों की बात आई है तो मैं सिक्कों के बारे में भी कुछ बता देता हूं। विश्व का सबसे प्राचीन सिक्का, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है मेरे मित्रों, तो वो कहलाएगा पंचमार्ग सिक्का या पंचमार्ग मुद्राएं। इसी पंचमार्ग सिक्के को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो सिक्का है चांदी का भी हो सकता है, ये सिक्का सोने का भी हो सकता है। इस सिक्के के ऊपर 5 आकृतियां बनी होगी, मछली, पेड़, चांद, मछली वगैरह, ये जो है इनके 5 आकृतियां बनी हुई होगी, इसलिए इस सिक्के को पंचमार्ग सिक्का कहा गया या आहत सिक्के के नाम से इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। उसके बाद आगे बात करूं सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसमैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिसमैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, अलग अलग सिक्के होते हैं, अलग अलग समय के सिक्के होते हैं, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों की और बात करूं तो सर्वप्रथम यानी कि अगर और बात करूं तो सर्वाधिक सोने के या सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा? मौर्य शासक, अलग अलग धातुओं के,
ठीक है ना। सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों के द्वारा जारी किए गए, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कौन से शासकों के द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, एक चीज और देख लो, सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा? मौर्य शासकों के द्वारा। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। अब ध्यान से सुनना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के दोनों लाइनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए, लेकिन प्योर गोल्ड शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथियों का अंकन आपने अभी वर्तमान में सिक्के देखे होंगे और सिक्कों के नीचे सन लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो किस शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर डेटे लिखवाई थी? तो सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथियों का अंकन यूनानी शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? यूनानी शासकों के द्वारा करवाया गया था। और शीशे के सिक्के, शीशे के जो सिक्के हैं वो सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। स शीशा, स सातवाहन, ठीक है ना, जैसे भी आप याद रख सकते हो। तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासक, सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथियों का अंकन किसने करवाया? यूनानी शासकों ने करवाया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने करवाए, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, और सर्वाधिक सिक्के किसने? मौर्य शासकों ने। एक प्रश्न और, भारत के वर्तमान मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो रुपया नामक सिक्का दिल्ली के सुल्तान रहे थे एक शेरशाह सूरी, भारत में जीटी रोड का जनक, गिरीश सुमेल का युद्ध जो हुआ था, शेरशाह सूरी SSS जिन्होंने रुपया नामक सिक्का क्या किया था? सर्वप्रथम जारी किया गया था। तो ये बात कर ली अपने सिक्कों की। अब सिक्कों के आगे अगर बैराट सभ्यता की अगर हम बात करें, तो यहां से इस सभ्यता से हाथ से बुना हुआ एक सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है। हाथ से बुना सूती कपड़ा यहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां से लोहे का चाकू प्राप्त हुआ है। कौन सा चाकू? लोहे का चाकू यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कौन से मृदभांड मेरे मित्रों? चमकीले मृदभांड। अब ध्यान से सुनो, लोहे का चाकू बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, यहां से चमकीले मृदभांड भी प्राप्त हुए, लेकिन इन मृदभांडों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। कौन सा चिन्ह? स्वास्तिक का। चमकीले मृदभांड प्राप्त तो हुए मेरे मित्रों, लेकिन ये जो मृदभांड है इनके ऊपर कौन सा चिन्ह बना हुआ था? स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बैराट सभ्यता का अंतिम प्रश्न, वो क्या है? देखो ध्यान से, यहां से एक खंडहर नुमा भवन प्राप्त हुआ है। कौन सा भवन? खंडहर। जर्जर अवस्था में खंडहर जो बहुत सालों से पड़ा हुआ हो उसको अपन खंडहर कहते हैं, ठीक है ना। यहां से एक खंडहर नुमा भवन मिला, ठीक है ना, जिसे इतिहासकार जो है इसे बौद्ध मठ मानते हैं कि ये कोई बौद्ध मठ रहा होगा प्राचीन समय का। वो भी किस संप्रदाय का? मित्रों प्रश्न ये है, किस संप्रदाय का? हीन यान संप्रदाय का बौद्ध मठ है, क्योंकि बौद्ध धर्म की दो संप्रदाय थी, एक थी हीन यान और एक थी कौन सी? महायान, ठीक है ना। तो यहाँ अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बैराट सभ्यता से खंडहर नुमा बौद्ध मठ किस संप्रदाय का प्राप्त हुआ है, तो हीन यान संप्रदाय का प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहां से जो खंडहर नुमा भवन मिला है जिसे इतिहासकार बौद्ध मठ मानते हैं, लेकिन वो भी किस संप्रदाय का? हीन यान संप्रदाय का।
जैन धर्म की भी दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। वैसे ही बौद्ध धर्म की भी दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो मित्रों ये हो गई आपकी विराट सभ्यता, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका सभ्यता का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रगणों को एक भावी अध्यापक के रूप में उन्हें उनकी जो उनका जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की और सहायता करें, और उनकी जो उन्होंने मन्नतें वगैरह मांगी होगी, आपने प्रसाद भी वगैरह चढ़ाने के लिए बोला होगा, मैं भलीभांति जानता हूँ ऐसा अक्सर होता ही है, और उन मनोकामना को पूरा करने का भगवान आपको मौका दे, यही ईश्वर से मेरी कामना है। और आगे भी अपन अलग अलग टॉपिकों पर वीडियो बनाते रहेंगे, और मेरी भावी जो आपका एग्जाम है होने वाला उसके लिए मैं आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट बोल देता हूँ। और जो आप एग्जाम में इन सभी जो प्रश्न आप करके आओगे, जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिले, उसका फल बहुत अच्छा मिले, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। और बहुत अच्छे अध्यापक बनकर आप देश के भविष्य को सुधारेंगे, और यही मेरी जो है एक अध्यापक बनने वाले भावी अध्यापक को इस अध्यापक की ये कुछ छोटी सी बातें थी वो मैंने आपको कही है, ठीक है। आगे भी हम इस वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।